ड्रामा में सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स कोर्स इन्होंने शुरू किया, उसके बाद ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII पुणे यहाँ पे पढ़ाया है। ये फिलहाल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक ओलंपियाड थे, जो ओलंपियाड भी शुरू हो रहा है, इसकी स्क्रीनिंग कमेटी में थे 14 दिन, वो पूरे टाइम प्लेस देख रहे थे। इसके बारे में शायद आपको बताएं, इन्होंने 3 ऑनलाइन मैगजीन्स शुरू की है, एक थिएटर, एक फिल्म एंड एक पानी के ऊपर। ये पानी वाटर के बहुत बड़े कंजर्वेटर हैं, ये पहले डायरेक्टर रिटायर्ड हुए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से डायरेक्टर रहे हैं। प्रोफेसर मनोज मिश्रा, अच्छा मैं एक चीज की माफी चाहूंगा, वो ये है कि हेलो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, एंड सुष्मिता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल डिस्कोर्स, एंड आपने ऑडियंस को इतनी अच्छी तरह से पूरे अपने एक्टिंग प्रोफेशन के बारे में बताया। तो मेरी इच्छा थी कि आप लोगों को डिजिटल मीडिया के लिए आपको कुछ फिल्में भी दिखा सकूं, तो वो तो खैर मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले तो ये वाला लैपटॉप नहीं लग पाया, दूसरे वाले लैपटॉप के लिए कनेक्शन लगा तो ये उसका प्रोजेक्शन ऊपर नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको सुनाता जाऊंगा, और आप लोगों से अगर समय मिलेगा तो आप लोगों से कुछ एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे थे उसके जवाब आपको टेक्निकली मिल जाएंगे, क्योंकि एक टेक्निकल तरीका भी है कि इसको किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। एंड वी विल टॉक अबाउट स्टैनिस्लावस्की, बहुत तरह के, मैं हर तरह के अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और जो जो थिएटर के बारे में जो थियरीज देते हैं उनको अंग्रेजी में बोलते हैं थेस्पियन, तो जो मैं जिनको 4 मेन थेस्पियंस मानता हूँ, जिनकी क्या कहते हैं थिएटर की थियरी है और जिनकी फिल्म के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, वो है क्रोटोस्की, बादल सरकार, स्टैनिस्लावस्की एंड बर्टोल्ड ब्रेक्ट। इन 4 लोगों को अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिल्मों में स्टैनिस्लावस्की का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टैनिस्लावस्की की जो मेथड एक्टिंग है जो सबसे ज्यादा फिल्मों में इस्तेमाल होती है, और जो थिएटर में 2 तरह के थिएटर हैं, एक तो इनफॉर्मल थिएटर है विच इज थिएटर इन द राउंड, उसके बारे में बादल सरकार ने और ग्रोटोस्की ने काफी काम किया उसके बाद। बादल सरकार उसको कहते थे कि ये है थर्ड थिएटर, यानी इट इज अ न्यू काइंड ऑफ थिएटर, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट थर्ड थिएटर, एंड ग्रोटोस्की कॉल्ड इट फोर्थ थिएटर। फोर्थ थिएटर का ये मतलब नहीं कि गरीब थिएटर है या गरीबों के लिए थिएटर है, उसका मतलब कि ऐसा थिएटर है जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं बाहर के उनको हटाकर कम से कम एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जाए। जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपको मैं पूछना चाहूँगा कि एक परफॉर्मेंस आप अगर आप देखते हो नाटक का, तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसमें, कोई बता सकता है? नाटकों में जो स्टेज पे नाटक होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सेट, प्रॉपर्टीज, लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, मेकअप, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें जो है इन सबको हटा के बादल सरकार और ग्रोटोस्की ने नाटक किया था। तो ग्रोटोस्की इसको बोलता था पुअर थिएटर, क्योंकि इसमें सारी चीजें हटा के जो थिएटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते थे, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्टैनिस्लावस्की जो था वो उनका ये कहना था कि आदमी की जो साइकोलॉजी है उसको स्टडी करके नाटक को करना है। तो साइकोलॉजी को कैसे स्टडी किया, आप स्टैनिस्लावस्की का जो थिएटर है उसमें सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है जो आपने अभी बताई हैं, सेट प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम, लाइट्स, साउंड, सब इस्तेमाल होता है। और फिल्मों में भी स्टैनिस्लावस्की की मेथड एक्टिंग जो रियलिस्टिक है जिसे बोलते हैं, आप कुछ कह रहे थे, अच्छा, जो रियलिस्टिक एक्टिंग है, जो नेचुरल एक्टिंग है, वो जो फिल्मों में, जो मैं उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो स्टाइलाइज फिल्में हैं, तो जो नेचुरल एक्टिंग वाली फिल्में हैं उसमें भी स्टैनिस्लावस्की का मेथड इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि आप लोग एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर फिल्म टेक्नोलॉजी के बारे में, फिल्में कैसी बनाई जाए, फिल्में बनाने का तरीका क्या, ऐसे नहीं आजकल क्या है कि मोबाइल का जमाना है, कहीं भी मोबाइल घुमाया हर एक आदमी अपने को डायरेक्टर समझता है या सिनेमाटोग्राफर समझता है, वो अपने धीरे धीरे यूं चल के अपना शॉट लेता है, उसको समझता है कि मैं ट्रॉली के ऊपर शॉट ले रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ आप फिल्मों में जो अपने विजुअल देखा है उसको मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बढ़िया फिल्में मोबाइल में बनाते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत हाई रिजोल्यूशन का काम हो सकता है। मोबाइल में एक ही प्रॉब्लम है कि आपका जो कैमरा है वो स्टडी नहीं है, वो हिलता है, जिसको बोलते हैं हैंड हेल्ड कैमरा। मोबाइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि उसमें वो नहीं है, स्टैंड नहीं है, जिसका ट्राइपॉड जिसे बोलते हैं वो नहीं है, तो उसमें वो स्मूथ, अगर आप पैन किसे बोलते हैं जो ऐसे घूमता है कैमरा, और टिल्ट अप एंड डाउन, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे होता है, टिल्ट हो गया, तो ये जो चीजें हैं ये आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, मगर अगर आप टेक्नोलॉजी को समझ के करेंगे तो पहले हम बात करते हैं स्टैनिस्लावस्की के मेथड एक्टिंग, मेथड ऑफ एक्टिंग। तो मेथड एक्टिंग जो है स्ट्रासबर्ग की, बहुत कम लोग स्टैनिस्लावस्की के जो सिस्टम को बोलते हैं मेथड एक्टिंग, और मेथड एक्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय स्ट्रासबर्ग, एंड मेथड ऑफ एक्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय स्टैनिस्लावस्की, ठीक है। तो अब स्टैनिस्लावस्की का मैं कोट देता हूं, वो कहते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्ट ऑफ एक्टर एंड ऑल अदर आर्ट्स इज दैट एवरी अदर आर्टिस्ट में क्रिएट वट एवर ही इज इन द मूड ऑफ इंस्पिरेशन, वेन एवर इज इन द मूड ऑफ इंस्पिरेशन। कि मेथड एक्टिंग और फिल्म में क्या फर्क है कि दूसरे सारे आर्ट्स में आर्टिस्ट जब मूड करे अपना कर सकता है, जो कैमरा है ऑन की और ऑफ की कर सकता है, बट आर्टिस्ट ऑफ द स्टेज मस्ट बी द मास्टर ऑफ हिज ओन इंस्पिरेशन, ठीक है, अपने वो जो इंस्पिरेशन के लिए उसका मास्टर होना चाहिए, एंड मस्ट नो हाउ टू कॉल इट फोर्थ, उसको मैं जब भी चाहूँ उसको बुला सकूँ। मैं भी स्टेज पे आ गया और मेरे को कोई चांस नहीं है रीटेक करने का, मेरे को टेक तो देना ही है, बस कोई चॉइस ही नहीं है, तो मेरे को ऊपर से बुलाना है एनर्जी को और वो ऑडियंस की तरफ देखनी है। तो बट आर्टिस्ट ऑफ द स्टेज मस्ट बी द मास्टर ऑफ ओन इंस्पिरेशन एंड मस्ट नो हाउ टू कॉल इट फोर्थ व्हेन इट इज अनाउंस्ड ऑन द पोस्टर ऑफ थिएटर, मतलब पोस्टर में अनाउंस हो गया कि प्ले होना है, तो जब वो अनाउंस हो गया है तो उसको एबिलिटी होनी चाहिए कि 6:30 बजे शो है, 6:30 बजे मैं पूरी एनर्जी में करके और ऑडियंस के सामने उसको कम्युनिकेट कर सकूँ। दिस इज द चीफ सीक्रेट ऑफ अवर आर्ट कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्। तो मेथड एक्टिंग के बारे में पहली चीज है, मेथड एक्टिंग रिक्वायर्स दैट एन एक्टर यूटिलाइज अमंग अदर थिंग्स इमोशनल मेमोरी, रिकॉल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब इमोशनल मेमोरी क्या है? इमोशनल मेमोरी है जो मेरे अंदर सुष्मिता जी के बहुत ही प्रिय जो कला ग्राम है वहाँ पे कुत्ते जो बहुत ही वफादार थे और जिनको ये बहुत प्यार करते थे वो चला गया, वो परलोक सिधार गया, तो उसका उनको बहुत अफसोस है। तो अब उस मेमोरी को, उसकी क्या मेमोरी है, मनीष किसी बहुत ही प्यारी वस्तु का चला जाना क्या मेमोरी है, एक पर्सनल लॉस है। तो पर्सनल लॉस को लेकर के मैं कुछ भी, मेरी जो क्या बोलते हैं, मेरे पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस था वो मेरे ऊपर रेड पड़ गया और सारे पैसे मेरे निकल गए, तो क्या हो, मेरा पर्सनल लॉस हो गया। अब वो मुझे एज एन एक्टर मुझे वो क्रिएट करना है पर्सनल लॉस, तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो मिमिक्री को एक्टिंग समझते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि मिमिक्री मतलब नकल उतारना सिर्फ बंदरों का काम है, इंसानों का काम नहीं। मैं शाहरुख खान की नकल कर सकता हूँ, उसमें वाहवाही हो जाती है, ताली बज जाती है, अच्छा मैं नकल कर सकता हूँ, बहुत अच्छी है, उसके लिए भी कलाकारी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए, लेकिन वो एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग में वो है कि जो मेरे अंदर है वो मैं उसको निकाल के बाहर करूँ। जैसे शाहरुख खान है, उसकी एक्टिंग बिल्कुल अलग है,
वो किसी को कॉपी नहीं करता, इसीलिए लोग उसको कॉपी करते हैं। हर एक्टर जो है उसकी अपनी अदाकारी है, और वो कैसे निकालता है अदाकारी, अपने अंदर से, अपने पर्सनैलिटी को समझकर, मेरे साथ अगर ये लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, उस मेमोरी को अपने अंदर लाके उसको इस्तेमाल करूँगा, अपने इस चीज़ को, अपने सारे मेरे जो मेरी जो सारी मिल्कियत है जो 9-9-11 हो गई एक ही दिन में, उस दुख को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा, वो मैं एक पर्सनल मेमोरी को रिकॉल करूँगा और उसको इस्तेमाल करूँगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट स्टैनिस्लावस्की सेड। The actor's entrance onto the stage is considered to be not the beginning of the action of or of his life as a character, but a continuation of the set of preceding circumstances. The actor का entrance stage पे वो उसकी शुरुआत नहीं है, उसके पीछे भी उसकी जिंदगी है जो अपने साथ लेके आया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने हर एक का ये कहानी होगी कि आप अभी यहाँ आए, you know, आप कौन है, आप कहां से आए हैं, आप अभी बाहर क्या करके आए हैं, वो सारी चीजें आप अपने साथ लेके, वो सारी सामग्री लेके आप अपने साथ आते हैं, तो उस सामग्री को आप कैसे इस्तेमाल करोगे अपने परफॉर्मेंस में। मैं क्या हूं, मैंने भी क्या किया, अभी भी मैं आया था तो मेरी एक स्कूटर वाले से टक्कर हो गई, मेरे को बड़ी चोट लग गई, तो मैं आऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा दर्द होगा, मैं बैठूंगा, मैं परफॉर्मेंस में क्लास में बैठा हूँ, लेकिन मैं बार बार अपने हाथ को ऐसे से यहाँ रब कर रहा हूँ अपने कोहनी को, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, मेरी शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ से मैं पैदा हुआ, और अगर उसे और नज़दीक जाना चाहे तो वहाँ से शुरुआत हुई जिससे पहले मेरे साथ अभी क्या हुआ वो मैं देख के आया। अगर हम आप ये देख लो, आपने फिल्में देखी होंगी नाज़ी जर्मनी के बारे में, जब जूस के साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, मारा जा रहा था जर्मनी में, तो उन फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट है, क्योंकि जिस माहौल में बैठे हैं उसके बाहर जो माहौल है वो उनका असर करता है। तो वो माहौल को आप अपने अंदर लेके आओगे, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में लेके आओगे, अपने आप आपकी जो एक्टिंग है वो उसके हिसाब से नेचुरल हो जाएगी, और आप जो हो उससे पहले भी आप कुछ थे और इसके बाद भी आप कुछ होगे। तो जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ये जो कैरेक्टर है ये किस तरह का आदमी है, इज ही अ लोनर, ये हमेशा अकेला घूमता है क्या, इसका परिवार है या इसका नहीं है, इसने परिवार खो दिया या बहुत अच्छे खाते पीते घर से है, जिसे बोलते हैं खाते पीते घर से, कि या और एक अच्छी फैमिली लाइफ से है, या उसका रोज लाइफ से झगड़ा होता है, वो आप कोई भी कैरेक्टर देखोगे उसके कई हो सकता है कि नाटक में उसके बारे में लिखा ही ना गया हो, लेकिन उसके बिहेवियर से आपको पता लगता है कि वो किस तरह की जिंदगी से निकल के आया है। तो जब भी आप किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करते हो तो उसका पास्ट जो है उसको समझ के उस पास्ट के हिसाब से वो एक्टर, जितने जो मैंने बताया चोट लगने वाला तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन परफॉर्मेंस में जो सटलिटी आती है, जो बारीकी आती है, खास करके वो बारीकी जो फिल्में बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकती हैं, वो बारीकी कैसे आएगी कि उन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में रखोगे, उसकी पर्सनल मेमोरी को रखोगे, इमोशनल मेमोरी को रखोगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री को रखोगे। जब मैं वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के सोचता हूँ कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली मेरे परफॉर्मेंस में वो सारे न्यूआंसेस, मेरी एक आंख फड़केगी या मेरे गाल जो है वो थोड़े से फड़फड़ाएंगे, मेरे होंठ फड़फड़ाएंगे, या जो कुछ मेरे अंदर होगा वो सब उसके बेसिस पे होगा कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, मेरी कैसी जिंदगी है, मेरा परिवार है कि नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ, मैं पैसों वाला हूँ कि नहीं हूँ, मैं मेहनत कश मजदूर हूँ कि मैं दफ्तर में सारा दिन बैठा रहता हूँ, कि मैं सोशलाइट हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं सोशलाइट हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अलग है, मैं गरीब हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगी, मैं डरपोक आदमी हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगी। तो हर चीज जो है मेरे अंदर जो होगी वो बदलेगी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई एम, व्हाट माय एनालिसिस इज।